नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromanigru.com एवं फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल अजय एस्ट्रो मनीगुरु से आपसे मुखातिब होता हूं हमारे इस विशेष एपिसोड एग्रो वॉच। एग्रो वॉच कृषि जिंसों की तेजी और मंदी, एग्रो कमोडिटीज के अंदर चाहे वो चर सरसों हो, चना हो, सोयाबीन हो, या फिर हल्दी या फिर जीरा, इन पर सटीक फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से विश्लेषण आपको इस एपिसोड में मिलेगा। दोस्तों, पसंद आए तो इस प्रोग्राम को और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर भेजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। नमस्कार दोस्तों, आज 20 जुलाई सन 2021 मंगलवार, कृषि जींस, मेटल एवं स्टॉक मार्केट पर हमारा पूर्व विश्लेषण एवं आकलन सत्य साबित हुआ। कल कच्चे तेल ने तो एक बड़ी ऐतिहासिक मंदी दर्ज हुई। लगभग 7% की एक तरफा गिरावट कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल ने भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दर्ज हुई, जिसका आकलन हमने आपको एक अग्रिम दे दिया था। दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी एक बार पुनः अपनी श्रेष्ठता साबित करने में कामयाब रही। निफ्टी ने लगभग कल 170 पॉइंट, बैंक निफ्टी ने लगभग 700 पॉइंट और सेंसेक्स ने लगभग 500 पॉइंट से अधिक की गिरावट कल बाज़ारों में देखी गई, जिसका अग्रिम अनुमान विश्लेषण हमने अपने पिछले लगातार दो से तीन शो में दिया। तुषार जैन ने भी लगातार आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कमजोरी के अग्रिम संकेत दिए, जो कि बाजारों को अंदर सत्य साबित हो गए। चने के ऊपर भी आपको याद होगा हमने कल तेजी की बात कही थी और सरकार ने अपना फैसला बदल दिया, स्टॉक लिमिट में बड़े परिवर्तन किए गए, इंपोर्टर्स को राहत दी गई, जिसका लगातार हम अपने चैनल पर आपको अनुमान दे रहे थे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रचलन सदियों से हमारे देश में रहा है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप कृषि जींस, बुलियन, मेटल, स्टॉक मार्केट का सटीक अनुमान प्राप्त कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के सटीक विश्लेषण को देश के लगभग सभी बिजनेस टीवी चैनल एवं बिजनेस न्यूज़पेपर्स पर हमने फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की श्रेष्ठता का डंका बजाया है। इसकी विजय पताका, इसका परचम हमने फहराया है लगातार 22 सालों से। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चलें, आज की ग्रह स्थिति। चंद्रमा तुला राशि में है, बुध मिथुन राशि में चल रहे हैं, सूर्य एवं मंगल आज कर्क राशि में विचरण कर रहे हैं, राहु वृषभ राशि में हैं और गुरु कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं, शनि मकर राशि में हैं और केतु वृश्चिक राशि में हैं। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक गुरु यानी जुपिटर ग्रह जाना जाता है सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए, नुकसान या हानि को रोकने के लिए, उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, विवाह में विलंब होने से रोकने के लिए, व्यापार में धन लाभ प्राप्त करने के लिए। जिस भी व्यक्ति का देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर हॉरोस्कोप में कमजोर होता है, अशुभ होता है, उसको सबसे पहले मानसिक रोगों का रोग लग जाता है। लाभ प्राप्त होने में परेशानियां बढ़ने लगती हैं, एजुकेशन में परेशानियां हो जाती हैं, यदि एजुकेशन में यदि एडमिशन भी मिल जाता है तो शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है या फिर बहुत मामूली अंक प्राप्त होते हैं। और यदि आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं या फिर स्टॉक मार्केट के व्यापारी, कारोबारी या प्रोफेशनल हैं और तो आपके गुरु ग्रह की स्थिति जन्म पत्रिका में निर्णय कर देती है कि आप सफल व्यापार या व्यवसाय में हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि सही निर्णय लेने देवगुरु बृहस्पति का ही रोल आपकी जन्म पत्रिका में होता है। बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है, ही का कारक है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति ज्ञान का कारक है। यदि आपका देवगुरु बृहस्पति जन्म पत्रिका में मजबूत है तो आप नौकरी के बनस्पत व्यापार में अधिक लाभ और ख्याप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाभ की संभावनाएं अधिक होती हैं। नौकरी में आप अपने मालिक के लिए काम करते हैं और व्यापार स्वयं के व्यापार में आप स्वयं के लिए काम करते हैं। मिथुन
एवं कन्या राशि के व्यक्ति जिनका जन्म 1990 या 1994 में हुआ है नाइन्थ में, उनके लिए यह लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। गुरु ग्रह के लिए गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों को बढ़ाने के लिए या फिर गुरु के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए ज्योतिष मान्यताओं के आधार पर पुखराज रत्न धारण करने की सलाह दी जाती। पुखराज रत्न आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में आपकी मदद करता है। जयपुर का रत्न पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप भी जयपुर के रत्न बाज़ार से पुखराज यानी येलो सफायर फैक्ट्री रेट पर प्राप्त कर सकते हैं। आप संपर्क कर सकते हैं एग्रो वॉच। चना आज तेजी दिखा सकता है। चनाग्राम दोस्तों, आपको याद होगा हमने पहले भी आपको अपने प्रोग्राम्स के अंदर लगातार कहा था कि सरकार को अपने दलहन पर लिए गए निर्णय यानी लिमिट को एक बार पुनः विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में व्यापारी दाल मिल ऑनर्स इसके का विरोध बड़ी तीव्रता से कर रहे हैं। कपास खली में कोई बड़ी मंदी की संभावना आने वाले कुछ महीनों में शायद नहीं है। सरसों एवं सोयाबीन में क्या होने वाली है बड़ी मंदी या फिर होगी बड़ी तेजी? आप संपर्क करें विशेष रिपोर्ट के लिए। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बड़ी खबरें। सरकार ने दलहन पर स्टॉक लिमिट में लिया बड़ा फैसला। आयातकों को दलहन में भंडारण की सीमा में छूट। दलहन के होलसेल व्यापारियों को भी स्टॉक लिमिट 500 मैट्रिक टन की। काबुली चना, मटर, मोठ एवं मूंग को स्टॉक लिमिट से बाहर रखा गया है। दाल मिलों को लिमिट 50% या खपत के अनुसार 6 महीने की लिमिट दी गई है। स्टॉक लिमिट की सूचना के बाद चना व उड़द में लगातार तेजी की खबरें मिल रही हैं। मानसून में देरी से मध्य भारत एवं उत्तरी भारत में खरीफ की फसल पिछड़ रही हैं। दोस्तों आपको याद होगा हमने साउथ वेस्ट मानसून के ऊपर भी अपनी विश्लेषण अपने चैनल पर दिया गया है, जो मौजूद है उसको आप देख सकते हैं। खरीफ की फसल में लगभग 11.6% की कम बुआई का अनुमान मानसून की देरी की वजह से मिल रहा है। धान की फसल में की बुआई में सबसे अधिक प्रभाव कम मानसून और डीजल के लगातार बढ़ते भावों के कारण धान के किसान परेशान हो रहे हैं। लगभग 610 लाख हेक्टेयर खेतों में बुआई 16 जुलाई तक हो चुकी है, जो कि लगभग 11.6% पिछले साल के मुकाबले कम हैं। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल में लगभग 7% की एकतरफा गिरावट दर्ज हुई। कल सोने एवं चांदी में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। कमोडिटी वाज आज कॉपर में तेजी की संभावना बन सकती है, विशेष ध्यान रखें। स्टॉक वॉच सीमेंट माफ कीजिएगा, सीमेंट एवं सरकारी पावर स्टॉक्स में होगी अच्छी खरीदारी। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी पर रखनी चाहिए नज़र। बैंकों में जारी रह सकती है आज मुनाफा वसूली। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर रख सकते हैं नज़र। दोस्तों शेयर बाज़ार, कमोडिटी बाज़ार, करेंसी बाज़ार या एग्रो कमोडिटीज पर पेड सर्विसेज के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।